15 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी आगमन हो रहा है। हम लोगों का पदाधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई, उसमें उनका निर्देश मिला कि इसको कैसे करना है। इस संदर्भ में वार्ता पंद्रह जुलाई को प्रधानमंत्री जी आएंगे, एक प्रबुद्ध सम्मेलन होगा और इसके अतिरिक्त एक सारे उद्घाटन होंगे, जो लोकार्पण होंगे, एक जनसभा होगी। कहाँ पर होनी है उसका स्थान अभी निश्चित किया जा रहा है, अभी निश्चित नहीं। आप लोगों को दिया गया है उसकी तैयारियों को लेकर संगठन के बीच में जो वार्ता होती है वही वार्ता हुई है, कैसे अच्छी से अच्छी तैयारी हो, कैसे बढ़िया काम हो। और स्वच्छता पर विशेष जोर दिया गया है कि हम लोगों को एक पखवाड़ा स्वच्छता के लिए वाराणसी को पूरी तरह से स्वच्छ रखने का काम कर रहा है। क्या चुनाव को लेकर जो 2019 में हुई है उसको लेकर कुछ बातचीत हुई? जी नहीं, अभी तो 2019 की कोई बातचीत नहीं हुई, अभी तो हम लोग संगठन के जो काम है उसी को कर रहे हैं। महेश जी, ये 15 तारीख को किन योजनाओं की शुरुआत होनी है या शिलान्यास होना या फिर उनकी ओपनिंग होनी, कौन कौन सी मुख्य है ऐसी? उसमें कई चीजें चल रही हैं, एक तो कन्वेंशन सेंटर का भी लोकार्पण होने की बात हो रही है और अपना एलपीजी स्टेशन के भी शुरुआत हो रही है यहाँ पे वाराणसी में। इस तरह की कई चीजें चल रही हैं, सारे बातें अभी संगठन स्तर पर चल रही है, उसको निर्धारित करके प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम। एक चीज और भी है कि 15 जुलाई का समय बारिश का समय होता है और बारिश के चलते पीएम मोदी की रैलियां उसको दृष्टिगत रखते हुए, बारिश को दृष्टिगत रखते हुए सारी कार्यक्रमों की तैयारी की जा रही है। इसी महीने 15 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में 2 दिवसीय दौरा होना है, जिसमें प्रधानमंत्री कई नई योजनाओं की शुरुआत भी करेंगे और कई का शिलान्यास भी करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 4 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अमित शाह मिर्जापुर आ रहे हैं और 15 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आ रहे हैं, जिसे ये 2019 चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि काशी सहित पूर्वांचल को साधने की भारतीय जनता पार्टी जो कोशिशों में जुट गई है और काशी के रास्ते पूर्वांचल होते हुए लखनऊ से दिल्ली जाने की तैयारी भी की जा चुकी है। वाराणसी से गोपाल मिश्र, ईटीवी।